कलीमुल साहब बैकिंग कर रहे हैं आप लोग? देखिए यही आरएसएस का काम है, ये दोनों हजरात जो है ना, ये दोनों आदि संगठन मानते हो कि नहीं मानते, सीधे बोलो, ये सरकार के नहीं है, लेकिन आरएसएस के ये घटक दल हैं, आप एक नफरत फैलाने के लिए मानते हो कि नहीं मानते, एक एक आंदोलन करने के लिए, छोड़ो, एक राजनीति के लिए, हमने सवा सौ की अयल किया हुआ है, हमने सवा सौ की अयल किया, आरएसएस का जो पूर्व, हमने बहन बेटियों को तीन तलाक से मुक्ति दिलाई है, अलग अलग बहन बेटियों को हलाला से मुक्ति दिलाऊंगा, मैं बहन बेटियों को बाल विवाह से मुक्ति दिलाऊंगा, बहन बेटियों को बाल विवाह से मुक्ति दिलाऊंगा, हमसे मत बात करिए, मैंने मुस्लिम बहन बेटियों को काम किया उसका आप तो मुझे करना नहीं पड़ता, भारतवासियों में आप अगर समता समानता के लिए काम किया होता तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। हुआ मेन स्ट्रीम में मुस्लिम महिलाओं को लाना विभाजन होता है, कश्मीर को हिंदुस्तान का कानूनी रूप से अभिन्न अंग बना देना भी विभाजन होता है, और अश्विनी उपाध्याय आपके आपकी लाठी कहाँ है? आपको तो भाई आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं ऐसा बोल रहे हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं, आपकी लाठी कहाँ है वो जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है? मुस्लिम बहन बेटियों को बराबरी का अधिकार देने, उनको समान अधिकार, उनको विरासत का समान अधिकार, उनको वसीयत का समान अधिकार, उनको प्रॉपर्टी का समान अधिकार, उनकी शादी की उम्र समान कराने, उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। कायदे से कलीमुल हक को लड़ना चाहिए था, मुस्लिम बहन बेटियां आगे आए इनकी भी जिम्मेदारी थी, कल मेरी नहीं थी, लेकिन ये नहीं लड़ रहे, ये पर्सनल ला चलते हैं, ये भारत में 2047 में शरिया चाहते हैं, मैं चाहता हूं इस देश में समता समानता समरसता रहे, कुटुंबकम रहे, सर्वधर्म संभाव रहे, और नारी तू नारायणी का भाव हमेशा बना रहे। प्रेम शुक्ला जी, आपने अजय आलोक को सुना, कलीमुल साहब को सुना, अश्विनी उपाध्याय को भी आपने सुन लिया है, ये जो बातें आ रही हैं ये अब इस मसले पर आ गई है कि हम किस सोच से आगे बढ़ रहे हैं। आरएसएस का नाम लेकर पीएफआई को सही साबित करना ये सबसे खतरनाक सोच है। देखिए अभी आपने जो है कलीमुल साहब से पूछा पीएफआई जानते हैं, तो मैं पीएफआई को नहीं जानता हूँ, आपने पूछा आप आरएसएस को जानते हैं, तो ये कभी शाखा में नहीं गए हैं, कभी आरएसएस के बारे में सुना नहीं है, झूठ बूट का बता दिया, एक मैं उसके विद्यालय में भी पढ़ा, झूठा नाम भी बता दिया, तो ये इकोसिस्टम है, कांग्रेस में ये इकोसिस्टम मिल जाएगा, आरजेडी में इकोसिस्टम मिल जाएगा, इसी तरह का समाजवादी पार्टी से इकोसिस्टम मिल जाएगा। साहब ने बहुत स्मार्टली कहा, उन्होंने कहा आरएसएस एफिलिएटेड एक स्कूल में पढ़े हैं, आरएसएस वाले स्कूल में नहीं पढ़े, मतलब फैक्चुअली करेक्ट है, समर्थित आरएसएस, आरएसएस का एक विद्या भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है विद्या भारती नामक संगठन चलाता है, वो सीधे स्कूलों का संचालन करता है, ये झूठ बोलने पर आमादा है। पीएफआई आप चेक कर लिए प्रेम शुक्ला जी, अपना नाम भी बता दिया, छाती पीटते हैं शुरू, हम एड्रेस भी बता रहे हैं, छाती पीट नहीं आप गलत बता रहे हैं, हम जान रहे हैं आप, आप, आप तो बिना जाने आपको गलत पर लग गया, आपको संस्कार, आप उसकी जानकारी ले लीजिए तब बोलिएगा, आप तो एक वरिष्ठ, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, आप तो कम से कम ऐसी बात मत बोलिए। नहीं नहीं पीएफआई के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं? जानता मैं नहीं, जानता मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैं क्यों गलत बयान करूं, मैं जिसको जानता हूं उसको मैंने बताया, नहीं बिल्कुल पीएफआई के बारे में आप क्यों जानेंगे भाई, मैं क्यों जानूंगा, मेरा कोई वास्ता नहीं है, आतंकी अलगाववादी संगठन के विरुद्ध बोलेंगे आपको अपना समाज जो आपकी जान खतरे में आ जाएगी, नहीं टारगेट करने लगेंगे, हमारा समाज किसी आतंकवादी संगठन के समर्थन में नहीं रहता है, अगर वो आतंकवादी संगठन है तो हमारे मुसलमान उसे रिजेक्ट करेगा, अगर मगर क्या पीएफआई के बारे में इतना तो रूबिका जी नहीं बता दिया, फिर अगर मगर क्यों लग रहा है आपको, क्यों क्यों फिर सरकार बैंडिंग कर रही है, पकड़ा गया फिर सर, अगर आतंकवादी संगठन है वो तो सरकार उस पर एक्शन ले, समाचारों की बात पर भरोसा नहीं, पुलिस की बात पर भरोसा नहीं, किसकी बात पर भरोसा है, हमें तो आपकी बात पर भी भरोसा है, आपको भरोसा नहीं है लोगों पे, हम तो कह रहे हैं पुलिस ने जो पकड़ा वो आतंकवादी है, उसके खिलाफ वही काम होना चाहिए जो उसकी सजा है, रूबिका जी लेकिन अगर आप शांति सुनने कही, मैं तुमको सुन रहा था, मैं इनको शांति से सुन रहा था, ये व्यग्र हो रहे हैं, नहीं प्रेम शुक्ला जी व्यग्र हो रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी वो इसलिए क्योंकि क्योंकि आपने दुखती रख पर हाथ रखा है, उनको पीएफआई के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन उनको आरएसएस पर उन्होंने पीएचडी की है, एआईएमआईएम में आप तभी एंटर कर सकते हैं जब आरएसएस पर पीएचडी होती है, कलीमुल बिना पढ़े पीएचडी की। अच्छा बताइए फिर आरएसएस को क्यों बैन किया गया, क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने बैन किया था यही बता दीजिए राष्ट्रीय चैनल पे। आपसे अगला सवाल रूबिका जी ने पूछा उसका बैन हटा क्यों, हटा क्यों, जानकारी हटाइए आप, लगा क्यों ऐसे बताइए आप, नहीं नहीं हटा क्यों, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में उस आरएसएस की संलिप्तता पाई गई नहीं पाई गई ये बताइए आप, अरे वो आरएसएस नाथूराम गोडसे जो पहले आतंकवादी आरएसएस के कार्यक्रम में गए हैं महात्मा गांधी, आप बिल्कुल गए हैं, महात्मा गांधी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में गए, तो क्या नहीं, तो आप
आप तुलना कैसे कर सकते हैं आरएसएस और पीएफआई की तुलना नहीं मैं तुलना कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कि आरएसएस भी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, आप इन दो की तुलना करके पीएफआई को पंख दे रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। हिंदुस्तान को बचाना है तो जो एक कट्टरपंथी संगठन है उसको कहिए कट्टरपंथी है, पीएफआई वो करते हुए दिख रहा है। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।